अब थोड़ा आराम है। एक और ले लूं इलेक्ट्रोल है, ले ले। ओ गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम निकल गए रोड पे। रोड पे कहाँ पे? जयपुर वाले रोड पे। तो भाई अपने साथ एक दुखी आत्मा राहुल नाथ और साथ में अपने भाई अमित, जो अपने ट्रिप पे तूफानी करी हमने सब ने। भाई तूफानी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि भाई एसी के वेंट का पानी भी पीछे आ गया। तो भाई अब हम निकल लिए एक बार रोड पे घूमने के लिए कि भाई थोड़ा आनंद लेते हैं, बाहर की वातावरण को जीतते हैं। मन के यार कुछ खा भी लेंगे और डोल भी लेंगे। वंदे ये तो सूप है, ये तो बर्गर है। बर्गर से आएगा तू? ना भाई मैं बर्गर। सुन इधर की तरफ तरफ चला कुछ और अच्छा देख के। कौन बर्त रख रहा है? क्योंकि ए बी एग चिकन। भाई हम गुस्सा आए महाकाल से तो भाई आज नहीं खाएंगे यार। तो भाई ऐसा देखो, ये तो अब राजस्थान की राजधानी तो है जयपुर, तो यहाँ पे कुछ माहौल तो डिफरेंट रहेगा ही रहेगा। भाई साहब यहाँ वेदांता हॉस्पिटल है क्या? भैया हमें हम खुद नए आए हुए हैं। देख ले उसको डालने मैप पे डाल लो भैया। ये तो नहीं भैया जी दोस्त एक बार इधर ये बता दे के भाई हमारे राहुल की तबीयत खराब हो गई। तो भाई बस घेवर खाया था ना, घेवर एक नंबर बना रखा है, अब बाकी देखते हैं घेवर का घर के लिए बात करके फिर घर पे एक बार बात। देखो ये हमारा बीमार लौंडा ऐसे पड़ा है भाई। ट्रिप तो अच्छी रही बट हम अपने दोस्त को बीमार देख के बैड फीलिंग आ रही है मेरे को। अब इसके लिए एक तो देसी नुस्खे वाली ब्लैक टी पिलाते हैं भाई के। चल अब चल रहे हैं एक बार यार भाई को कुछ खुआ लाते हैं, बाकी जयपुर में आपको जयपुर का टूर कराते हैं कैसा लग रहा है जयपुर में। बाकी आप देखो मेरे व्लॉग में बने रहिए, करते हैं सिस्टम हैंग। और गाइस वोटिंग रुकनी नहीं चाहिए, वो तो मेरा व्लॉग तो बाद में आएगा यार, इसमें तो मैं बोलने का कोई फायदा नहीं है। I'm not afraid to die.
रही है आज वैक्सीन, वक्त तक पढ़ के रखी है मैगजीन। पर भाई ले भाई राहुल, तो राहुल दवाई ले ली तू ना, अब एक बार रुक जा। मना खाना पैक करा लिया है भाई अपना, अब निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुल 12 बज गए हैं ना, इस वजह से अब निकलते हैं एक बार घर के। अब थोड़ा आराम है, एक और ले लूँ इलेक्ट्रोल है, ले ले फिर, और गैस की दवाई खाने के बाद ले लियो। पूरी तरीके से गंदी हुई पड़ी है भाई, तो भाई क्या नाम है भाई, जयपुर इतना मस्त सजा रखा है ना भाई, एक नंबर सजा रखा है भाई।